तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कुछ इस प्रकार की एडिटिंग आप दे सकते हो दोस्तों हमारी फ़ोटो को। ये देखो दोस्तों, तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि मैंने इसमें कलर ग्रेडिंग कैसे की है दोस्तों, फेस स्मूथ कैसे किया है आप दे सकते हो दोस्तों। ये देखो दोस्तों मेरी फ़ोटो। तो दोस्तों चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको वीडियो को पूरा देखना होगा, और दोस्तों चैनल पर ना हो तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अपनी फ़ोटो को सबसे पहले ले जाना होगा दोस्तों आपको स्नैपशीट ऐप में, आप दे सकते हो। इसमें आने के बाद दोस्तों आपको फिर सिंपल है आपको टूल्स वाला ऑप्शन दिख रहा होगा। टूल्स में जाने के बाद दोस्तों आपको ऊपर दिखेगा पहले नंबर पर टून इमेज में। टून इमेज में जाने के बाद दोस्तों आपको कॉम्बाइंस को थोड़ा बढ़ा देना है, और सैचुरेशन को दोस्तों थोड़ा सा बढ़ाना है, दोस्तों हाईलाइट को थोड़ा माइनस कर देना है। इसमें इतना ही दोस्तों, अभी आप दे सकते हो हमारी फ़ोटो। फिर दोस्तों टूल्स में जाने के बाद आपको जाना होगा डिटेल्स में। तो टूल्स में आने के बाद दोस्तों स्ट्रक्चर को थोड़ा बढ़ा दीजिए, और सर्फिंग को दोस्तों थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। फिर दोस्तों आपको दोबारा जाना होगा टूल्स में। टूल्स में आने के बाद दोस्तों आपको नीचे दिख रहा होगा टोनल कॉन्ट्रास्ट में जाना होगा, आईटोन्स को थोड़ा बढ़ा देना है, और मेज टोन्स को दोस्तों थोड़ा सा रखना है। अभी आप दे सकते हो हमारी फ़ोटो। फिर दोस्तों आपको टूल्स में आने के बाद आपको सिलेक्टिव में जाना होगा। सिलेक्टिव में जाने के बाद दोस्तों आपको इस प्रकार से अपने चेहरे पर लिंकेज कर लीजिए दोस्तों, आप दे सकते हो हमारे चेहरे पर और पैरों पर दोस्तों, जहाँ भी ब्लैक हो उससे आप मेंटेन कर सकते हो इस प्रकार से, आप दे सकते हो। तो चलिए मैं थोड़ा और कर लेता हूँ। दोस्तों इतना होने के बाद आप भी आप दे सकते हो हमारी फ़ोटो को दोस्तों, बिफोर एंड आफ्टर। फिर आपको टूल्स में आना होगा दोस्तों, फिर आपको नीचे दिखेगा दोस्तों ब्लैक एंड वाइट का ऑप्शन। इसमें आने के बाद दोस्तों आपको थोड़ा इससे डार्क कर देना है, ब्राइटनेस को थोड़ा डार्क रखना होगा दोस्तों इतना। फिर दोस्तों आपको सिंपल है ऊपर एरो वाले निशान में जाना होगा, फिर आपको व्यू एडिट्स में जाना होगा, ऊपर देखना होगा आपको ब्लैक एंड वाइट में जाके ब्रश वाले आइकन पर क्लिक करके दोस्तों इसको ऐसे करके, फिर सिंपल है दोस्तों अपने वाली चेहरे को साफ करना होगा। अभी आप दे सकते हो, तो अपने चेहरे को साफ कर रहा हूँ दोस्तों, अभी आप दे सकते हो इससे। दोस्तों मैं थोड़ा वीडियो को स्पीड कर देता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो चलिए आप भी दोस्तों इस प्रकार से आप अपना चेहरा साफ कर लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। दोस्तों अभी आप देखना हमारी फ़ोटो को। दोस्तों अपनी पेंट पर से भी कलर हटा लेंगे इस प्रकार से, आप दे सकते हो। ये देखो दोस्तों, तो दोस्तों आप दे सकते हो हमारा बैकग्राउंड में कलर हो चुका है दोस्तों, कितना अच्छा। अभी आप दे सकते हो, ये देखो बिफोर एंड आफ्टर। तो दोस्तों सिंपल है आपको टूल्स में जाने के बाद ऊपर आपको वाइट बैलेंस का ऑप्शन दिख रहा होगा, उसमें जाने के बाद दोस्तों इसको थोड़ा टेम्परेचर को दोस्तों माइनस रखेंगे, माइनस दोस्तों इसको इतना रखेंगे, और टाइट को दोस्तों थोड़ा इसको भी थोड़ा माइनस रखेंगे दोस्तों। तो अभी आप देख सकते हो। फिर दोस्तों आपको सिंपल ऊपर एरो वाले निशान में जाके बी एडिट में जाके वाइट बैलेंस में जाके दोस्तों ब्रश वाले आइकन पर क्लिक करके तो दोस्तों फिर से अपने चेहरे को साफ करेंगे। ये देखो दोस्तों, फिर से आप इसी तरह अपने चेहरे को साफ कर सकते हो। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेता हूँ। अभी आप देख सकते हो दोस्तों हमारा फोटो को,
इनको इतना होने के बाद दोस्तों अभी आप दे सकते हो बिफोर एंड आफ्टर। दोस्तों फिर कुछ सिंपल अपनी फ़ोटो करना होगा लाइटरूम में एप्लीकेशन के अंदर। तो चलिए अपनी फ़ोटो को ले जाइए लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। तो दोस्तों हमारी फ़ोटो लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर आ चुकी है। फिर सिंपल है दोस्तों, आपको जाना होगा लाइट वाले ऑप्शन पर, ब्लैक को थोड़ा प्लस में रखेंगे, वाइट का थोड़ा माइनस में, शेडो को भी माइनस में दोस्तों, हाईलाइट को भी माइनस में, तो कॉन्टेक्ट को भी थोड़ा माइनस में दोस्तों। फिर दोस्तों आपको जाना होगा कलर वाले ऑप्शन पर, इसमें आने के बाद इसको टेम्परेचर को थोड़ा बढ़ा देंगे। मिक्स में जाने के बाद दोस्तों ऑरेंज वाले की सैचुरेशन को माइनस और लुमिनस को प्लस कर देंगे और रेड वाले को बढ़ा देंगे। इसके बाद दोस्तों येलो को पूरा माइनस रखेंगे, ग्रीन को भी माइनस रखेंगे, स्काई को भी माइनस रखेंगे, ब्लू को दोस्तों आप थोड़ा सैचुरेशन को बढ़ा देंगे और इसको दोस्तों माइनस रखेंगे, पिंक वाले को भी दोस्तों थोड़ा सा प्लस रखेंगे। अभी आप दे सकते हो बिफोर एंड आफ्टर। फिर दोस्तों डन करके आपको सिंपल है वो ग्रेडिंग में जाके इस प्रकार से इसमें बैकग्राउंड में कलर कर लीजिए। आप दे सकते हो इस प्रकार से, ये देखो दोस्तों मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, ये देखो। फिर दोस्तों आपको सिंपल इफेक्ट वाले ऑप्शन में जाना होगा, क्लैरिटी को थोड़ा बढ़ा देना होगा और सबसे नीचे आके दोस्तों थोड़ा इसको माइनस रखेंगे इस वाले को दोस्तों। फिर दोस्तों डिटेल्स में जाना होगा, इसको थोड़ा बढ़ा देंगे। फिर सबसे नीचे आके दोस्तों आपको थोड़ा इसको थोड़ा बढ़ा देना है, डिटेल्स को बढ़ा देना है और स्मूथनेस को बढ़ा देना है। अभी आप दे सकते हो दोस्तों हमारी फ़ोटो बिफोर एंड आफ्टर। दोस्तों फिर सिंपल है अपनी फ़ोटो को करना होगा आपको स्केचबुक एप्लीकेशन के अंदर। तो चलिए अपनी फ़ोटो को ले जाइए स्केचबुक के अंदर, ये देखो। उसमें आने के बाद दोस्तों आपको सबसे पहले तो फोटो को डिस्कट कर दीजिए। फिर दोस्तों आपको सिंपल है ब्रश वाले टूल्स में जाने के बाद आपको थोड़ा स्क्रॉल करते करते आना होगा। आपको दोस्तों इस वाले ब्रश को लेना होगा, इसकी सेटिंग इतनी रखनी है दोस्तों, आप देख लो। फिर दोस्तों अपना फेस स्मूथ करना होगा आपको, ये देखो दोस्तों हमारा फेस स्मूथ हो रहा है इतने अच्छे तरीके से, आप दे सकते हो। दोस्तों आप भी इसी प्रकार से अपना फेस स्मूथ कर लीजिए, आप दे सकते हो। तो थोड़ा मैं दोस्तों जल्दी जल्दी कर लेता हूँ, वीडियो एक्चुअली ज़्यादा लंबी हो चुकी है इसलिए, ये देखो थोड़ा कर लेता हूँ मैं थोड़ा स्पीड। अभी आप दे सकते हो, दोस्तों आप दे सकते हो हमारा फेस कितने अच्छी तरीके से स्मूथ हो रहा है दोस्तों, ये देखो। थोड़ा गर्दन पर भी कर लेते हैं दोस्तों, आप हाथों पर भी कर लीजिए दोस्तों, आप स्मूथ पैरों पर भी कर लीजिए इस प्रकार से। तो दोस्तों आप अभी दे सकते हो हमारी फोटो कितनी अच्छी हो चुकी है दोस्तों, अभी आप दे सकते हो, फिर देख सकते हो दोस्तों हमने कितना अच्छा कलर ग्रेडिंग किया है, फेस स्मूथ कितना अच्छा किया है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।